सो गाइज अभी फोन की पेमेंट वगैरह होगी है एंड अभी करते हैं भाई इसको अनबॉक्स। एंड गाइज मेरा तो मन कर रहा है कि मैं एक मैकबुक भी ले लूँ बिकॉज मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा लैग मारता है। एंड कलर कॉमेंट करके बताने की कैसा लग रहा, मुझे तो मतलब यही पसंद आया, पिंक वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। सो गाइज अभी मुझे ये वाला कवर पसंद है ब्लैक कलर में और ये आपका सिलिकॉन में। हेलो जी गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, अभी टाइम रहा सुबह के 8:38 एंड आज है मेरा बर्थडे तो अभी मैं पूरा नहा धो के पूजा वूजा करके रेडी हो चुका हूँ एंड इसके बाद मुझे फिर से अब बालाजी धाम जाना है एंड आज शनिवार है ना तो शनि मंदिर भी वहीं से चले जाऊँगा। बाकी उसके बाद का हमारा क्या प्लान है उसके बाद का तो शायद से आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि मैं पिछले 2-3 व्लॉग्स आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने बर्थडे पर कुछ लेने वाला हूँ, मतलब फ़ोन लेने वाला हूँ एंड बहुत सारे लोगों ने गेस कर भी लिया था ठीक है कि मैं कौन सा फ़ोन लेने वाला हूँ और एंड आई थिंक आपने थंबनेल से देख भी लिया होगा कि भाई मैंने कौन सा फ़ोन ले लिया है, बट फिर भी वीडियो में देखने का एक अलग ही मजा होता है ना तो ब्लॉग में बनते रहिएगा कि मैं कौन सा फ़ोन लूँगा। एंड उसके बाद फिर मुझे अपने दोस्तों को पार्टी वगैरह देने भी जाना है तो आज का दिन पूरा बिजी बिजी सा होगा। एंड अभी मैं पूरा रेडी वेडी हो चुका हूँ एंड टाइम तो मैंने आपको बता दिया 8:38 हो रहा है तो 9 बजे तक मैं मंदिर चले जाऊँगा। वैसे मुझे थोड़ा सा सुबह जाना था बट मुझे ब्लॉग भी एडिट करना था ना आज पोस्ट करने के लिए तो उसमें थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब लेट भी नहीं कह सकते बट थोड़ा सा डिले हो गया मेरे प्लान में। बाकी अभी शूज़ वगैरह डालते हैं एंड आज मैं थोड़ा बहुत मोटो व्लॉग करूंगा एंड थोड़ा बहुत व्लॉग करूंगा देखेंगे बट ज्यादा व्लॉग नहीं करूंगा बिकॉज आज मुझे खुद से एंजॉय भी करना है ठीक है। तो या बाकी अभी शूज वगैरह डालते हैं एंड निकलते हैं यहाँ से। ऑलराइट गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ अपने घर से एंड टाइम हो रहा है 9:16 एंड अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ बालाजी धाम बजरंगबली के दर्शन करने एंड उसके बाद मैं फिर से घर आ जाऊँगा बिकॉज अभी तो मैं सुबह सुबह फ़ोन लेने नहीं जाऊँगा। वैसे जिस स्टोर से मैंने फ़ोन लेना है वो वैसे 10 बजे खुल जाता है बट जो एक शुभ टाइम होता है ना पूरे दिन का वो मैंने देखा था भाई वैसे ऐसे पंचांग वगैरह में ठीक है बिकॉज यार फ़ोन ले रहा हो तो मतलब क्या ही बोलूँ, तो उसका टाइमिंग था 12 बजे से 1 बजे तक। आज पूरे दिन में 12 से 1 तक ही मतलब ऐसा शुभ टाइम है जिसमें हम कुछ ले सकते हैं। तो मतलब फिर मैं घर से 11:30 निकलूँगा एंड 12 बजे तक हम स्टोर पहुँच जाएंगे एंड स्टोर के बाद मुझे मतलब जैसे फ़ोन वगैरह लेके उसके बाद उस पर टेम्पर चढ़ाने कवर चढ़ाने इंदिरा मार्केट भी जाना पड़ेगा और उसके बाद पार्टी वगैरह, तो मतलब बिजी बिजी सा शेड्यूल है देखते भाई मैनेज तो हो ही जाएगा वैसे इजीली, ऐसा कुछ इतना बड़ा सा मतलब ऐसा क्या कहते हैं ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि भाई जहाँ इतना पूरा बिजी रहूँगा मैं। बाकी अभी यहाँ से मंदिर बस आने वाला है एंड मैं यहाँ कल शाम को भी आया था, इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा ऐसी थोड़ा सा मतलब टहलने सनसेट देखने मेनली। ये वाला रूट बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, एकदम सीधी सीधी से रोड है यहाँ पे। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं आपका बालाजी धाम एंड मुझे अभी क्या लग रहा है कि मैंने अपने कैमरे पर माइक ढंग से नहीं लगाया था और मैंने अभी कसा है और मुझे पता नहीं कि इससे पहले वाली फुटेज में साउंड सही से आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। अब यार ये तो गड़बड़ हो गया यार, मैं घर से वैसे चेक करके तो आया था बट पता नहीं क्या ही हो गया। एंड आज यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही बिकॉज आज शनिवार है ना एंड यहाँ बस मंगलवार को भीड़ लगी रहती है एकदम ही। चलो भाई अपने बजरंगबली के दर्शन करके आते हैं, जय बजरंगबली की, एंड आप लोग भी यहीं से कर लो बाहर बाहर से उसके बाद मिलते हैं भाई आपसे। सो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ दर्शन करके एंड दर्शन करके एकदम मज़ा सा आ गया एंड अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट अपने घर जा रहा हूँ बिकॉज अभी स्टोर पे जाके कुछ फ़ायदा तो है नहीं, मतलब वैसे आधा घंटे में तो खुल जाएगा एंड यहाँ से स्टोर पहुँचने में मुझे आधा घंटा ही लगेगा बट जो टाइमिंग है ना 12 से 1 तक की तो मतलब मैं उसी टाइम पर लूँगा यार, 12:10 या 12:15 से ऐसी कुछ की टाइमिंग है और 1:10 तक ऐसी टाइमिंग है तो इसके बीच में मुझे अपना फ़ोन उठाना है। सो गाइस अभी मैं निकल चुका अपने घर से एंड टाइम हो रहा है 12:07 हे वाहे गुरु जी रक्षा करना मेरी, अच्छे से जाऊँ अच्छे से आऊँ एंड इतने लेट में इसलिए निकल रहा हूँ बिकॉज 12:30 से 1 बजे के बीच ही लेना था और यहाँ से वो जो स्टोर है मैंने अभी तक आपको नाम भी नहीं बताया उसका रास्ता बस 15-20 मिनट का है तो ज़्यादा जल्दी जाके भी क्या ही करना वहाँ और 1 बजे फिर हम इंदिरा मार्केट वगैरह चले जाएंगे एंड दिन के टाइम निकलने का बस एक ही घाटा रहता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा रहता है, अगर हम सुबह 8:00 9:00 निकलते ना फिर तो एक भी ट्रैफिक नहीं मिलता, अभी देखो इतनी भीड़ भाड़ है मतलब क्या ही बताएं यार बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है अभी एंड अभी आगे बल्लूपुर चौक पे भी ट्रैफिक होगा ओम नमः शिवाय बट हम तो ऊपर फ्लाईओवर से निकल जाएंगे ना। सो गाइस अभी हम बस पहुंचने वाले स्टोर पे, ये स्टोर यहाँ पे आपका क्यूबिक टावर पे, मैं 1-2 ब्लॉक पहले भी मतलब यहाँ पे आया था। लो भाई अभी यहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क करते हैं और देखते हैं भाई फ़ोन वोन लेते हैं यहाँ से, ये है भाई अब तो अभी स्टोर देख के समझ ही गए होंगे कि भाई मैं कौन सा फ़ोन लेने जा रहा हूँ, बस मुझे यहाँ ब्लॉक करने में थोड़ा सा दिक्कत लगी यार बिकॉज अंदर बहुत सारे लोग होंगे ना तो फिर देखते हैं भाई अगर भीड़ भाड़ नहीं रही फिर ब्लॉक बनाएंगे एंड अंदर जाके आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा फ़ोन ले रहा हूँ। सो गाइस अभी मैं आ चुका स्टोर पे एंड यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन लगे हैं, ये तो आई थिंक 15 प्रो मैक्स है भाई, ये देखो क्या मस्त सा लग रहा है एंड अभी मेरा प्लान है कि मैं आईफोन 13 लूँगा और जो भाई था ना मतलब मेरे साथ एक भाई भी है दोस्त का तो वो भी 13 ही लेगा तो इसका मतलब हम दो यहाँ पे 13 लेंगे एंड मेरा पहले प्लान था कि मैं 14 लूँगा बट दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस 10,000 का डिफरेंस है
एंड आई थिंक हाँ इसमें मतलब 14 में आपका बस एक वो आता है सिनेमेटिक मोड, नहीं सॉरी एक्शन कैमरा मोड, मतलब स्टेबिलाइजेशन वाला मोड आता है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो है नहीं, इसलिए मैं 13 पे जाऊँगा। और भाई फिर 10,000 एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे 14 के लिए, तो आई थिंक 13 सबसे बेस्ट डील है। एंड प्राइस वगैरह अभी देखते हैं, भैया से पूछते हैं, वैसे मैंने एक बार ऑलरेडी पहले पूछा तो है बट फिर भी एक बार पूछ लेंगे। एंड अडेप्टर इसका पड़ेगा आपको 1900 रुपये का, तो मतलब 1900 रुपये का अडेप्टर। बाकी ये देखो ये 15 की प्रो सीरीज है, ये देखो भाई देखने में तो मस्त से लग रहे, और ये 15 प्रो मैक्स है। एंड ये है आपका, ये कौन सा है, अच्छा आईफोन 15 प्लस है ये देखो। बाकी ये पूरा स्टोर है। एंड गाइस मेरा तो मन कर रहा है कि मैं एक मैकबुक भी ले लूं, बिकॉज मेरा लैपटॉप बहुत ज़्यादा लैग मारता है। और ये भाई देखने में तो मस्त सा लग रहा है, एकदम स्लिम टाइप का, तो बहुत प्यारा लग रहा है भाई। ये देखो ये तो मैकबुक एयर है, ये पता नहीं कौन सा है इनका, मुझे नहीं पता। ये भी सारे एप्पल के, बट इन पर कुछ लिखा नहीं है ऐसा यार, तो मुझे नहीं पता अभी। बाकी देखते हैं हम फटाफट अपना फ़ोन वगैरह लेते हैं, अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं। अरे भाई आईफोन की वॉच तो यार अभी लेते हैं फटाफट। सो गाइस अभी आ चुका है हम पे आईफोन 13, और मैं ये वाला कलर ले लूँ स्टार लाइट, बिकॉज मुझे ये सबसे प्यारा लग रहा है देखने में। और जितना फ़ोन रहता है उसी के साइज़ का बाहर कवर पे भी बनाया है, और कलर तो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, मतलब ब्लू कलर है एंड लाइक एक ग्रीन कलर है, वो वाले कलर मतलब मेरे एक दोस्त के पास भी है ब्लू कलर, बट वो ना एकदम से मतलब उस पर ना स्क्रैच वगैरह पड़ेंगे ना तो एकदम वाइट सा दिखता है, बट इस पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे हमने कवर तो लगाना है बट फिर भी। एंड अभी इसके बाद जाएंगे इंदिरा मार्केट वगैरह, कवर वगैरह लगाते हैं। बाकी इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं भाई अभी थोड़ा देर में, स्ट्रिप वगैरह खोली है इसकी बस। सो गाइस अभी फ़ोन की पेमेंट वगैरह हो गई है, एंड अभी करते हैं भाई इसको अनबॉक्स मतलब पहली बार। ओहो भाई मुझसे तो खुल भी नहीं रहा है सच में। भाई इसका कलर इतना मस्त सा है ना, स्टार लाइट कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। भाई बहुत मस्त लग रहा है देखो, और भाई इसकी जो इन हैंड फीलिंग है ना इतना मस्त सा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा पहला फ़ोन था ना Redmi 10 Prime उससे थोड़ा सा स्लिम है, बट भाई देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है। एंड कलर कमेंट करके बताने कि कैसा लग रहा है, मुझे तो मतलब यही पसंद आया, पिंक वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। एंड ये वाला बहुत मस्त लग रहा है देखो, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये भाई क्या ही मस्त सा लग रहा है, एकदम जैसे डेस्क का कलर है ना वैसे इसका कलर भी है, मतलब स्टार लाइट तो मुझे लग नहीं रहा है, एकदम वाइट कलर ही लग रहा है। एंड बॉक्स में आपका बस यही आता है, एक केबल आती है, अडेप्टर हमें अलग से ख़रीदनी पड़ेगी, एंड एक स्टीकर आता है एप्पल का। कहाँ गया भाई स्टीकर, हाँ इसके अंदर ही है। बाकी अभी अडेप्टर वगैरह भी लेते हैं, एंड इसमें एप्पल आईडी वगैरह जो भी बनानी होगी ना वो तो भैया लोग बना देंगे, एंड उसके बाद कवर लगाने जाएंगे ऐसे। सो गाइस अभी निकल रहे हैं स्टोर से, बिलिंग वगैरह हमारी सब कुछ हो गई। एंड ये है इस डब्बे में मिला भाई आई डेल्टा, और हाँ मैंने आपको बताया नहीं था मैं देहरादून से मतलब आई डेल्टा के स्टोर से मैंने लिया है। बाकी इसकी क्वालिटी वगैरह इतनी मस्त सी आ रही है ना, बाकी कैमरा वगैरह तो हम इन फ्यूचर चेक करेंगे। एंड अगर आपको प्राइस वगैरह जानना होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। एंड मैंने अपनी स्कूटी यहाँ पे पार्क की है, एंड चलते हैं। ये है भाई पूरा स्टोर। भाई मेरा मन तो कर रहा था कि मैं मैकबुक भी ले लूँ, बिकॉज मेरा जो HP वाला लैपटॉप है ना वो बहुत ज़्यादा लैग मारता है और उसमें एडिटिंग नहीं होती है, तो देखेंगे आई थिंक नेक्स्ट बर्थडे पे देखेंगे। एंड अभी का वेदर एकदम मस्त सा हो गया, ये देखो भाई मस्त सा। एंड अभी यहाँ से मैं डायरेक्ट इंदिरा मार्केट जाता हूँ, इस पर टेम्पर चढ़ाते हैं, कवर चढ़ाते हैं, बिकॉज अभी इसे यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। भैया अभी आपको सीधा स्कूटी पर मिलते हैं। सो गाइस अभी मैं इंदिरा मार्केट पे आ चुका हूँ, एंड अभी मैं यहाँ पे टेम्पर वगैरह लगा रहा हूँ। ये देखो अभी भैया टेम्पर लगा रहे हैं, अभी फिर उसके बाद कवर वगैरह देखेंगे। एंड अभी मैंने आशीष वगैरह को कॉल कर दी थी क्योंकि अभी पार्टी वगैरह भी देनी है ना, तो आ रहा है वो अभी। अभी उसने कॉल पिकअप नहीं की बिकॉज आई थिंक गाड़ी वगैरह चला रहा होगा। एंड मैंने टेम्पर लगाई 600-650 का, इतने का ही है, तो देखते हैं भैया से थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि यही वाला भैया बता रहे हैं सबसे बढ़िया है। एंड भैया के पास भी ये देखो आईफोन 13 ही है भैया पे, तो भैया ने इसीलिए भैया ने बोला कि यही वाला लगा लो क्योंकि ये वाला सबसे बेस्ट है। एंड अभी मैं कवर देखता हूँ कि कौन सा मुझे पसंद आता है। सो गाइस अभी मुझे ये वाला कवर पसंद है ब्लैक कलर में, और ये आपका सिलिकॉन में है भाई, यही मुझे सबसे सही लग रहा है, और कलर तो पसंद नहीं आ रहे हैं। एक मेरे पे ये वाला ऑप्शन भी था बट ये वाला थोड़ा सा अजीब टाइप का ना, इसमें मतलब फाइबर नहीं लगा अंदर से, एंड इस वाले में अंदर से फाइबर क्लोथ लगा है, तो ये वाला मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है। बाकी इसकी प्राइसिंग भी इतनी है 250 से 300 से लेकर। बाकी अभी तक आशीष वगैरह नहीं आए बिकॉज अभी हमें पार्टी करने भी जाने किसी कैफ़े में, अभी तो कैफ़े का नाम भी नहीं पता कि कहाँ जाना है, तो अभी कैफ़े वगैरह ढूंढते हैं उसके बाद देखते हैं भाई कहाँ पार्टी करेंगे। सो गाइस अभी हम वहाँ से कैफ़े में आ चुके हैं, एंड टेम्पर और कवर मैंने सब कुछ चढ़ा दिया, वो आपको मैंने दिखा दिया। बाकी अभी यहाँ पे एक केक लेके आ गए, पर पता नहीं क्यों, और इन्होंने यहाँ पे ये देखो हाइकर बर्थडे लिखा रखा है, हाइकर बर्थडे की इसमें पूरी जगह नहीं थी ना, और इसमें की मस्ती सी चेरी वेरी है। मैंने इन्हें मना किया था बिकॉज भाई मेरा ऐसा मन नहीं करता केक वगैरह काटने का। अभी इनके मोमोज वगैरह आ गए, हमने तो खा ली बिकॉज ये केक और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने गए थे ना, तो हमने तो खा ली, आदित्य मैंने खा ली, बाकी अखिलेश और आशीष अभी दोनों खा रहे हैं। केक काट ले पहले, क्या करें केक काट ले पहले, अच्छा पहले खा लो यार।
सो गाइस इट्स द नेक्स्ट डे एंड कल मैं ब्लॉग एंड करना भूल गया था बिकॉज कल जब हम पार्टी में गए थे उसके बाद मैंने अपना कैमरा बॉक्स में डाल लेता एंड फिर उसके बाद टाइम भी नहीं मिला ब्लॉग करने का एंड जब मैं घर आया तो बहुत ज़्यादा थक चुका था तो मतलब ब्लॉग करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था एंड कल का जो हमारा दिन था एकदम मस्त सा गया। पार्टी हो गई थी, बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गया था, फोन आ गया था एंड हमारा जो बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह होता है ना एकदम नॉर्मल होता है मतलब मेरा बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा केक काटना सेलिब्रेट करना नहीं पसंद है यार, मतलब पता नहीं क्यों बट ऐसी नहीं पसंद है। तो एकदम नॉर्मल सी पार्टी होती है हमारी, वही खाते मोमोज वगैरह चाउमीन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यही पीते हैं उसके बाद एकदम घर आ जाते हैं। ठीक है, बस आधा एक घंटे की हमारी पार्टी हुई थी उसके बाद हम घर आ चुके थे एंड कल मैंने मतलब फोन भी चलाया, मतलब भाई देखने में तो बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है एंड यूज करने में भी बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, जिसकी इन हैंड फीलिंग है ना एकदम मस्त सी यार। एंड एंड्रॉइड से एकदम iOS पे अगर आप शिफ्ट हो रहे हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा यूज़ करने में। बाकी मतलब आगे वाली वीडियोज़ में आपको बताते रहूँगा, रिव्यू देते रहूँगा एंड आई थिंक इस वाले ब्लॉग को इतने रहने देते हैं। एंड हाँ, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू हैप्पी बर्थडे की विशेष के लिए। सो ओके गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड उस कॉमेंट बिलो फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय पुची।